हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अनेरी ठक्कर और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। टुडे आई एम व्लॉगिंग बिकॉज आई एम लिविंग एस्केपिंग और आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू फेज ऑफ माय लाइफ। आई एम लिटिल बिट नर्वस, मतलब किसको नर्वसनेस नहीं होगी अपना घर, अपना फैमिली, अपना कंट्री छोड़ के मतलब दूसरी कंट्री में जाना। और इतनी सी एज तक मैं आज तक अपना घर छोड़ के एक वीक से ज़्यादा कहीं बाहर नहीं गई हूँ। तो मतलब डायरेक्टली शिफ्ट होना किसी अलग कंट्री में तो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो वो तो मैं सोच ही नहीं रही हूँ। पर देखा जाएगा जो होगा वो, मतलब जो होने वाला है वो एक्सेप्ट करके ही चलना है, तो वो नहीं सोचना है। तो थोड़ा सा नर्वसनेस है पर एक्साइटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि आई एम गोइंग टू मीट माई हस्बैंड आफ्टर 7 मंथ्स। मतलब ये हमारे साथ पहले हो चुका है व्हेन वी वर इन अ रिलेशनशिप, लाइक ही वेंट देयर फॉर हिज स्टडीज एंड आई वॉज हेयर। तो ड्यू टू कोविड वी मेट आफ्टर 3.5 ईयर, तो हमने वो टाइम भी पास किया है। तो 7 मंथ्स इज लाइक नथिंग फॉर अस, बट ऑब्वियसली किसी को भी एक्साइटमेंट होगा। तो यस, थोड़ा सा नर्वसनेस और बहुत सारा एक्साइटमेंट के साथ अभी हमारा पैकिंग चल रहा है। अभी सामान जो है वो पार्सल कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरा घर वहाँ पे सेटल कर रहे हैं। अभी वो अकेले रहते थे वहाँ पे, तो उस हिसाब से उसके पास सामान था, राइट? तो वो बहुत कम सामान में ही वॉज एडजस्टिंग। तो अभी हम उन्होंने वहाँ पे घर रेंट किया है, तो हम पूरा घर सेटअप कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द सामान मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ। तो 46 kg जो है वो चेक इन में जाएगा और कैबिन में मेरे पास 7 kg रहेगा। तो उसमें बहुत कम सामान, मतलब कपड़े वगैरह और बहुत कम सामान आने वाला है। तो बहुत सारा सामान हम पार्सल कर रहे हैं। तो अभी आज मंडे हुआ है और सामान जो पार्सल होगा वो 15 days के अंदर मुझे मिलने वाला है। तो आज मेरी डेडलाइन है कि आज मुझे पूरा सामान जो है वो रेडी करके देना है और आज हम कुरियर वालों को हैंडओवर कर देंगे और उसके साथ ही हम वहां जाएंगे और वहां से वो लोग कुरियर आगे भेजेंगे और हम इकोनॉमिक से भेज रहे हैं। तो 15 days होगा। अगर उसमें कुछ और कैटेगरी थी जिसमें वो स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो वो 1 week के अराउंड पहुंच जाता है, पर उतनी कुछ जल्दी भी नहीं है हमें, तो चलेगा। क्योंकि मैं भी वैसे आज मंडे हुआ है तो मैं भी सैटरडे पहुंच रही हूँ, तो वो 1 week प्लस 1 week तो इट्स ओके फॉर अस। मतलब मैं भी वहां पे जाऊंगी, कुछ देखूंगी वगैरह, एडजस्ट होगा, उसके बाद सामान आएगा, देन विल सेट अप एवरीथिंग, तो इट्स ओके। सो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इट्स वन काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। सो आई होप यू गाइज विल एन्जॉय दिस रोलर कोस्टर राइड विथ मी। सो लेट्स गो। Thank you.
जाने के बाद करने वाली हूँ, क्योंकि साइट पे ऐसा लिखा है कि अब रिक्वायर्ड नहीं है आरटीपीसीआर, पर मेरे जो एजेंट हैं जिसके थ्रू मैंने टिकट्स बुक करवाई थी, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको 24 आवर्स प्रायर आपको करवाना पड़ेगा। तो सेफ साइड में करवा रही हूँ कि ओके ठीक है, करवा लेते हैं। तो वो मैं वहाँ जाके बॉम्बे पहुँचने के बाद में करवा लूँगी आरटीपीसीआर। बाकी सब, मेरा 2 वैक्सीन हो चुका है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, मेरा टिकट का जो प्रिंट है वो निकल चुका है, मेरे 2 पासपोर्ट है पुराना नया, और मेरा जो सीओपीआर लेटर है वो भी मैंने अपने बैग में रख लिया है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी तो आई डोंट थिंक कि अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ रखने की ज़रूरत है। जितना जितना मुझे बोला गया था वो सब तो मैंने अभी के लिए रख दिए हैं। अभी भी मेरे पास, अभी बजे हैं 12:30, तो अभी 5 घंटे का टाइम है, हम रेलवे स्टेशन के लिए 5 बजे के अराउंड निकलेंगे, तो उतना टाइम है मेरे पास। उस बीच थोड़ा बहुत जो बच चुका है वो कुछ काम निपटा लेंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, कंफर्टेबल आउटफिट पहन लेंगे ट्रैवलिंग के लिए, नाइट जर्नी ट्रैवलिंग करनी है ट्रेन में तो वो सब कर लेंगे। सब आगे के लिए जो वहाँ से बॉम्बे से मुझे जो जर्नी करने हैं आगे फ्लाइट में, उसके लिए जो आउटफिट वगैरह है वो भी मैंने रेडी करके सब रख दिया है। सो एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड, अब बस फिंगर्स क्रॉस कि सब ठीक हो और मैं आसानी से पहुंच जाऊं। तो लेट्स सी क्या होता है। अब मैं डायरेक्टली मिलती हूं आपको रेलवे स्टेशन जाते जाते। इट्स 5 PM एंड मी एंड माई ब्रदर आर लीविंग 15 मिनट अर्लियर देन माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर, बिकॉज वी आर गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर एंड देन वी विल रीच एट द रेलवे स्टेशन। Thank you.
चुका लिया है और अभी कैब बुक करके हम पहुंच रहे हैं हमारे गेस्ट हाउस। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम देखते हैं कि क्या करते हैं, थोड़ा सा सामान देख लेंगे, रिशफल कर लेंगे, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है। हेलो एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आफ्टर हैविंग लंच हमने थोड़ा चिट चैट किया बैठ के और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, तो सामान इधर से उधर थोड़ा बहुत चेक करना था और अब सब कुछ रेडी हो रखा है। मैंने कपड़े भी बदल रखे हैं और एकदम रेडी हो चुके हैं, तो अब हम लंच सॉरी अब हम डिनर के लिए नीचे जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अभी हम सेवन्थ फ्लोर पे हैं, तो आफ्टर हैविंग डिनर फाइनल रेडी होने के बाद हम यहाँ से 8 बजे निकलेंगे। अभी 7:15 हो रखा है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट का, तो 4 घंटे से पहले तो हम पहुंचना चाहते हैं, तो इसीलिए 8 बजे हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी हम लंच अभी हम डिनर के लिए जा रहे हैं, एंड आफ्टर हैविंग डिनर विल लीव फॉर द एयरपोर्ट। सो राइट नाउ लेट्स गो फॉर डिनर। टैक्सी बुक करने में थोड़ा वक्त चला गया, तो 8 बजे हम 9:15 एयरपोर्ट के लिए निकले, तो 45 मिनट्स जितना चला गया है, क्योंकि अभी ट्रैफिक है यहाँ पे।
तो अभी भी 10-15 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, तो मैं मिलती हूं आपको चेक इन के बाद।
अभी माई चेक इन इज डन. थोड़ा वेट का इशू था बट उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई सेड यस. तो उन्होंने थोड़ा बहुत जाने दिया, मतलब हर एक लगेज में 300-400 ग्राम का इश्यू था, पर उन्होंने बोला इट्स ओके. और आफ्टर चेकिंग मैंने, मेरा इमिग्रेशन भी हो गया है, तो मेरा गेट नंबर है 77. तो अभी वो मैं सर्च कर रही हूँ, अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है. अभी 11:30 बजे है और मेरी फ्लाइट जो है वो 2:50 पे है, तो थोड़ा यहाँ पे घूमने वाली हूँ और देखते हैं गेट नंबर 77 पहले देख लेते हैं कहाँ पे है, फिर घूमेंगे एयरपोर्ट पे. मेरा चेक इन हो गया. वेट में थोड़ा सा इशू आ रहा था, मतलब दोनों बैग में थोड़ा थोड़ा वेट ज़्यादा था, पर उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने लेट गो किया और बहुत क्विकली हो गया, मतलब कुछ इश्यूज़ नहीं आए. और उसके बाद इमिग्रेशन भी विद इन 10 सेकेंड्स कम्प्लीट हो गया और मेरा गेट नंबर जो है वो 77 आ गया. तो मैं 10:30 से यहाँ पे वेट कर रही हूँ और अभी बजे है 1:00 है अभी, और अभी मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं यहाँ पर बस वेट कर रही हूँ. इन बिटवीन मेरा RT-PCR का जो रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आ गया है. वैसे रिक्वायर्ड नहीं था पर सेफ साइड मैंने करवा लिया. सो यस, चेक इन डन, इमिग्रेशन डन, एयरपोर्ट घूमना डन, एंड नाउ जस्ट वेटिंग फॉर माय कॉल एंड दैट्स
सेफली लैंडेड एट टोरंटो एयरपोर्ट और मेरा इमिग्रेशन भी अच्छे से हो गया है। बड़ी लाइन थी लंबी, तो 12 बजे से पहले आई थिंक 11:30 को लैंड हो गए थे, पर अभी 2 बजे इमिग्रेशन कंप्लीट हुआ है। तो अब मैं सामान लेने जा रही हूँ और उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड को कॉल करूंगी एंड देन वी विल गो होम। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है तो मैं आपको मेरा घर वर सब दिखाने वाली हूँ, पर अभी थोड़ा सा सेट हो रहा है तो अभी हम थोड़ा सा ग्रोसरी करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि अभी वीकेंड है तो वीकडेज के लिए सब कुछ लाना पड़ेगा। प्लस अभी घर में कुछ भी नहीं है तो वो सब भी अभी सेटल करना है, तो वो सब सेट करते करते थोड़ा टाइम चला जाएगा। वैसे कल शाम को मेरा ग्रैंड वेलकम हुआ तो वो बहुत ही मजा आया। उसके बाद हम सब फ्रेंड्स लोग बैठ के गप्पे मार रहे थे, हमने नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हम नाइट ड्राइव के लिए गए थे शायद आधा पौना घंटे के लिए। उसके बाद आई वॉज रियली टायर्ड बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, सो गए थे और आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई एम हियर।
अभी फ्रेश होने के बाद हम निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं देन प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू गाइस विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।